लोक निर्माण विभाग सोलन विकास के कार्य में तेजी लाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। बदलते मौसम की वजह से विकास कार्य को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब मौसम खुलते ही रुके हुए कार्य को फिर से आरंभ कर दिया है, जिसमें मुरम्मत और नव निर्माण से जुड़े कार्य सम्मिलित हैं। ये जानकारी लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता अरविंद्र शर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि विकास के कार्य में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा रही है। रुके हुए विकास कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कर सोलन की जनता को समर्पित करना उनके विभाग का लक्ष्य है। लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता अरविंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बरसातों के चलते विकास के कार्य पर रोक लग चुकी थी, लेकिन मौसम खुलते ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 9 किलोमीटर सड़क को पक्का किया गया है, वहीं 2 सड़कों के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। जल्द सड़क निर्माण का कार्य भी आरंभ कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि शांति बायपास का कार्य भी अंतिम दौर पर है, जिसमें पुल और सड़क का निर्माण कार्य 2 ठेकेदारों को दिया गया है, ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल हमारे लोक निर्माण मंडल सोलन के अंतर्गत एक हमारा पीरियोडिक मेंटेनेंस का कार्य होता है, उस तरह के कार्य चले हैं। PMJSY की स्टेज है भारत सरकार की, उसमें कुछ टारिंग का लक्ष्य हमें दिया गया है, तो गर्मियों में होने का कार्य करने के बाद कुछ कार्य बरसात के कारण रोक दिया गया था, लेकिन अभी आजकल वर्किंग सीजन मिला है तो लगभग 8 या 9 किलोमीटर के लगभग टारिंग हम उसमें PMJSY 2 में कर चुके हैं। चायलगौड़ा रोड हो या आपका कोटजखेड रोड हो, इनमें काम जोरों पे चला हुआ है। अभी जितना वर्किंग सीजन हमें मिल पाता है उसमें उस कार्य को किया जाएगा। जहाँ तक और कार्यों की बात है, नाबार्ड में यदि आप देखें तो हाल ही में 2 रोड नाबार्ड में सैंक्शन हो गए हैं हमारे, एक आपका फसकना कोट जखेड और दूसरा आपका कंडा घाट माही। तो इन दोनों कार्यों की टेंडरिंग प्रक्रिया पे विभाग जोरों से कार्य कर रहा है। जहाँ तक एक आपका शांति राजगढ़ बाईपास, सोलन राजगढ़ बाईपास का कार्य भी आजकल जोरों पर चल रखा है, इसमें एक पुल का निर्माण कार्य भी चला हुआ है और रोड का कार्य अलग से चला, 2 विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर इसमें शामिल हैं। तो दोनों को टारगेट दिया गया है और उस टारगेट के अनुसार अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करके वो कार्य कर रहे हैं।